माँ सेरा वाली तेरा सेरा गया अपने खून से नहलाने तेरा बेटा आ गया। जय माँ सारदे। मिशन 2022 क्लास 10th में आप लोगों का स्वागत है। 26 नंबर सवाल लेकर हाजिर हूँ। प्रश्न है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए जोड़ से ए का होल स्क्वायर बराबर रिजल्ट लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो सवाल देखने में थोड़ा सा लंबा सांप की तरह लगता है ना, लेकिन सांप से तो डरते हैं लेकिन सवाल से नहीं डरेंगे। चलिए तो सवाल का जवाब देंगे। सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर दो बार यूज होने वाला है। चलिए तो सबसे पहले तो LHS लिखिए भैया, साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर जोड़ कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग वर्षों से जानते हैं, है ना, कई वर्षों से। तो चलिए इसका सूत्र पर हम लोग सेटलमेंट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस टू ए बी। ये तो सेटलमेंट हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी a समझते हैं cos a को और b समझते हैं sec a को। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना और प्लस 2ab तो 2 cos a इंटू sec a है ना। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर हो गया a। फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये दोनों मिलकर हो गया यहाँ पर 1। अब क्या करोगे, प्लस का चिन्ह दो, कॉसेक स्क्वायर a को लिख दो, कॉसेक स्क्वायर a को लिख दो 2 और साइन a गुना कॉसेक a ये 1 हो जाता है, प्लस sec स्क्वायर a को लिख दो और 2 और cos a गुना sec a ये होता है 1, cos थीटा गुना sec थीटा 1 होता है। ठीक है, अब यहां भी 2 हो गया, यहां भी 2 हो गया, यहां भी 1 हो गया, तो 2 और 2 4 और 1 5 मिल गया। अब cosec स्क्वायर का थीटा, cosec स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर बढ़िया से लिखाइए साहब जी। हाँ, कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है, कॉसेक स्क्वायर का 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना। अब 1 प्लस 1 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, और यहाँ पे टेन स्क्वायर ये है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ये है, इस तरह से RHS प्रूव हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको अच्छा से पढ़ते रहिए, है ना।